दोस्तों, मैं हूँ राज फोरेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ कूलिंग टावर वाटर केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में। हम लोग पावर प्लांट का कूलिंग टावर में या कोई भी कूलिंग टावर में कौन सा केमिकल का यूज़ करते हैं और उस केमिकल का नाम क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं कूलिंग टावर वाटर केमिकल्स के बारे में बताऊंगा कि हम लोग कूलिंग टावर में कौन सा केमिकल का यूज़ करते हैं और उस केमिकल का काम क्या है। होता क्या है कि दोस्तों, हम लोग कूलिंग टावर में केमिकल इसलिए यूज़ करते हैं, पानी में क्या दोस्तों, जो हम लोग कूलिंग टावर में पानी का यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट वाटर या रॉ वाटर का यूज़ करते हैं दोस्तों। उस वाटर में क्या है, बहुत ही सारा इम्प्यूरिटीज़ रहता है, मतलब बहुत ही सारा अशुद्धिकरण रहता है। जैसे कि जिस पानी में क्लोराइड, सल्फेट, O2, ऑक्सीजन, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट जैसा पानी में बहुत ही सारा मिनरल्स या केमिकल्स रह सकता है। और पानी में क्या है, कोई डीजल मतलब घुला हुआ केमिकल्स भी रह सकता है। पानी में बहुत सारा केमिकल्स रहता है, बहुत सारा स्लर्ज रहता है, डस्ट पानी में दोस्तों, कचरा भी रहता है दोस्तों, जिसको स्लर्ज बोलते हैं, स्लर्ज भी रहता है। और पानी में दोस्तों बहुत ही सारा बैक्टीरिया भी रहता है, जीवाणु भी रहता है, जिस कारण वो पानी को क्या करता है, अशुद्ध करता है, पानी अशुद्ध हो जाता है। जो अशुद्ध पानी क्या करता है दोस्तों, लाइन को क्रोजन करवाता है या स्केल करवाता है, या वो अशुद्ध पानी काई जमाता है दोस्तों, अलगी बनाता है, काई जमाता है, जिससे बचाने के लिए पानी में केमिकल डोज करने का ज़रूरत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग वाटर केमिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों अब हम लोग सीधा मुद्दे पे बात करेंगे, कूलिंग टावर में कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। दोस्तों जो मेनली कूलिंग टावर में चार टाइप का केमिकल यूज़ करते हैं मेनली। अगर हम लोग को इंटरव्यू में कोई पूछा जाता है कि कूलिंग टावर में कौन से केमिकल यूज़ करते हैं, तो बोलना है खाली मेनली चार टाइप का केमिकल यूज़ करते हैं। चार टाइप में क्या क्या है, क्रोजन इनहिबिटर है। क्रोजन इनहिबिटर भी दो टाइप का रहता है दोस्तों, एक एनोडिक क्रोजन इनहिबिटर, दूसरा है कैथोडिक क्रोजन इनहिबिटर। सबसे पहला केमिकल का नाम क्या था, क्रोजन इनहिबिटर। क्रोजन इनहिबिटर में दो टाइप का था, एक एनोडिक क्रोजन इनहिबिटर, एक कैथोडिक क्रोजन इनहिबिटर। दूसरा केमिकल जो डालते हैं कूलिंग टावर में, दूसरा है स्केल इनहिबिटर, तीसरा है एल्गीसाइड्स या बायोसाइड्स, चौथा है फ्लोइंग। क्रोजन इनहिबिटर, स्केल इनहिबिटर, बायोसाइड, फ्लोइंग, ये केमिकल हम लोग कूलिंग टावर में यूज करते हैं। दोस्तों अब हम लोग ये जानेंगे क्रोजन इनहिबिटर, उसके बाद बायोसाइट फॉलोइंग एक कैसे काम करता है, इसका क्या क्या काम है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि क्रोजन इनहिबिटर, क्रोजन इनहिबिटर, क्रोजन इनहिबिटर का मतलब क्या है। क्रोजन का मतलब है दोस्तों जंग, जंग लगना। जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग क्रोजन इनहिबिटर का यूज कूलिंग टावर में करते हैं। कूलिंग टावर पाइपलाइन में जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग केमिकल का यूज करते हैं। कूलिंग टावर में मैक्सिमम MS की पाइपलाइन लगा हुआ रहता है, जो हम लोग का कूलिंग टावर का सर्कुलेशन लाइन रहता है उसमें MS की पाइपलाइन का यूज़ होता है। MS की पाइप, जैसे हम लोग जो MS की पाइप है उसको खुले हम या ओपन टाइप में दो चार दिन भी छोड़ देंगे तो उसके बाहर में एक जंग पकड़ लेता है, रेड टाइप का रश लग जाता है, जो क्या करता है दोस्तों, वो मेटल को खाना चालू कर देता है, धीरे 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 मेटल को ख़त्म कर देता है, वो क्रोजन करता है मेटल को। क्या होता है कि दोस्तों MS की पाइप नमी के संपर्क में आता है तो उस पाइप में एक पपड़ी जैसा बनता है, जो क्या करता है पाइप को खाना शुरू कर देता है। हम लोग देखेंगे तो थोड़ा वो रेड टाइप का भी रहता है, जिसको जंग कहते हैं या क्रोजन कहते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि पानी के लाइन में जंग क्यों लगता है। पानी में क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सारा मिनरल्स और केमिकल्स पाया जाता है। उन केमिकल्स और मिनरल में क्लोराइड और सल्फेट भी पाया जाता है, जिस कारण पानी थोड़ा सा नमकीन जैसा रहता है दोस्तों। क्लोराइड और सल्फेट पानी को एसिडिक बनाता है या पानी को एसिड बनाता है, जो पाइपलाइन लोहे के साथ में रिएक्शन करके जंग लगाना शुरू कर देता है। जंग लगने के बाद लाइन का सर्कुलेटिंग वाटर का TDSP इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिस कारण पानी का क्वालिटी में खराब या पानी का क्वालिटी खराब हो जाता है। इस सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए पानी में क्रोजन इनहिबिटर का यूज करते हैं। हम लोग ये जानेंगे कूलिंग टावर का पानी जो था वो पाइपलाइन को या मेटल को क्रोजन कैसे करवाते हैं, क्यों करवाता है। क्रोजन इसीलिए करवाते हैं, जो कूलिंग टावर का पानी था उसमें क्लोराइड और सल्फेट पाया जाता है, जो एक क्लोराइड और सल्फेट का कारण क्रोजन करवाता है लाइन में।
जिससे बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। बाइकार्बोनेट एसिडिक पानी को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब 7 या 7.5 के आसपास ले आके वो मेंटेन करता है। बाइकार्बोनेट को यूज़ करके हम लोग एसिडिक पानी को न्यूट्रलाइज की तरफ लेके आते हैं। 7 pH के 7 pH+ करके हम लोग रखते हैं। 7 pH आने के बाद क्या होता है दोस्तों, पानी न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है, जिससे पाइपलाइन में कोई जंक नहीं लगेगा, क्रोजन नहीं होगा। और जो क्रोजन इनिवेटर था दोस्तों, एनोडिक क्रोजन इनिवेटर और कैथोडिक क्रोजन इनिवेटर, ये क्या है दोस्तों, ये दोनों के लिए अलग अलग केमिकल का यूज होता है। हम लोग ये जानेंगे कि एनोडिक क्रोजन इनिवेटर के लिए कौन सा केमिकल का यूज करते हैं दोस्तों। एनोडिक क्रोजन इनिवेटर के लिए सोडियम क्रोमेट, पोटासियम क्रोमेट, नाइट्रेट यूज करते हैं। और कैथोडिक क्रोजन इनिवेटर के लिए जानेंगे दोस्तों, कैथोडिक क्रोजन इनिवेटर से बचाने के लिए या कैथोडिक क्रोजन इनिवेटर के लिए पॉलीफॉस्फेट, पैरोफॉस्फेट, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस यूज करते हैं। और जो भी ये केमिकल है दोस्तों, केमिकल डोज करते हैं, ये केमिकल का नेम नहीं लिखता है, कंपनी क्या करती है इसका कोई कोड लिख देता है, जिस कोड के हिसाब से हम लोग कौन सा कोड का केमिकल अच्छा इफेक्टिव है उसी का यूज करते हैं। दूसरा केमिकल हम लोग जो डाल रहे थे दोस्तों, दूसरा नंबर में था स्केल इनिवेटर। हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। पानी में मिनरल पाया जाती है दोस्तों। मिनरल में क्या है, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और बहुत सारा मिनरल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट अल्कलाइन रहता है दोस्तों, जो पीएच इंक्रीज करता है। हम लोग कूलिंग टावर का पीएच कितना रखते हैं, 7.5, मैक्सिमम 8.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8.5 से ज़्यादा पीएच का पानी है तो वो पानी क्या रहना चालू होगा दोस्तों, अल्कलाइन रहता है। सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्या करता है दोस्तों, पापड़ी बनाता है और पाइपलाइन के साथ वो जाम करता है। पाइपलाइन के अंदर क्या करेगा, सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट जाके वो डिपॉजिट होना चालू करेगा और पाइपलाइन को क्या करेगा, धीरे 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 जो पाइप का साइज था, होल साइज वो छोटा कर देगा और लाइन को जाम कर देगा, लाइन को प्लग कर देगा, जिसको स्केल बोलते हैं। स्केल से बचाने के लिए कूलिंग टावर में क्या करते हैं दोस्तों, वाटर में फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका को पाइपलाइन में जमना नहीं देगा दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, स्केल इनिवेटर केमिकल में फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं। और तीसरा नंबर में था दोस्तों, एल्गीसाइड या बायोसाइड। जब पानी में क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सारा बैक्टीरिया रहता है दोस्तों। बैक्टीरिया क्या करता है ना, बैक्टीरिया क्या कर देता है, एल्गी बनाता है, मतलब काई बना देता है पानी में। जो क्या है, बैक्टीरिया पानी में जीवित रहता है और वो फैलते जाता है। होता क्या है दोस्तों, जब पानी सूर्य के साथ में संपर्क में आता है या पानी सूर्य का प्रकाश के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, पानी में काई लगना शुरू हो जाता है, जो एक बैक्टीरिया होता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश जहाँ पड़ेगा वहाँ पर जीवन संभव है। जो पानी में सूर्य के प्रकाश के वजह से वो क्या करते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया जीवित रहना संभव होता है और वो एक आपस में फैलते जाएगा दोस्तों, और एक ऊपर में एक लेयर बन के रहेगा दोस्तों, जिसको एल्गी बोलते हैं या काई बोलते हैं, जो बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए हम लोग जो केमिकल का यूज़ करते हैं एल्गी एसिड या बायोसाइड के लिए दोस्तों, ये दो टाइप का केमिकल रहता है। दो टाइप में हम लोग कोई एक केमिकल यूज़ करते हैं, ब्रोमीन्स या क्लोरीन डाइऑक्साइड केमिकल यूज़ करते हैं दोस्तों। हम लोग या तो उसके लिए ब्रोमीन का यूज़ करेंगे या तो क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कूलिंग टावर में एल्गी व काई लगने से बचने के लिए ये दो केमिकल का यूज़ करते हैं। ये दोनों में कोई एक केमिकल का यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, एल्गी एसिड व बायोसाइड लगने वाला बैक्टीरिया को ये ख़त्म कर देता है। ब्रोमीन या क्लोरीन डाइऑक्साइड एल्गी लगने वाला बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, काई जमना नहीं देता। अब जानेंगे दोस्तों फॉलोइंग क्या है दोस्तों, पानी में जो भी स्लज रहता है वो एक जगह इकट्ठा होकर बैठ सकता है दोस्तों। इकट्ठा होकर क्या करता है, लाइन व स्टेनर को ब्लॉक कर देता है। पानी में पाया हुआ स्लज इकट्ठा होने से रोकने के लिए, या हम लोग क्या करते हैं, स्लज को एक जगह बैठने से या एक जगह चिपकने से रोकने के लिए हम लोग डिस्पर्शन केमिकल का यूज़ करते हैं। डिस्पर्शन क्या करेगा दोस्तों, चारों तरफ उसको फैलाएगा दोस्तों, डस्ट को या स्लज को जो भी पानी के साथ में रहता है। जो डिस्पर्शन केमिकल पानी में मिला हुआ सस्पेंड पार्टिकल्स को वो क्या करेगा, स्लज को फैला देगा दोस्तों। पानी में मिला हुआ सस्पेंड पार्टिकल स्लज को फैला देता है, जो एक आपस में रहना नहीं देगा, एक आपस में इकट्ठा होकर रुकना नहीं देता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, जो भी स्लज है वो क्या होगा, एक आपस से दूर हो जाएगा और पाइपलाइन में जाने से वो बचाएगा।
ये क्या था दोस्तों, फ्लोइंग के लिए हम लोग डिस्पर्शन का यूज़ किया। डिस्पर्शन क्या करेगा, पानी के ऊपर कोई भी डस्ट एक आपस में चिपक के बैठने को नहीं देगा, मतलब वो क्या करेगा दोस्तों, फैलाव करेगा चारों तरफ उसको स्लज को, और क्या करेगा जो भी स्टेनर में, मेरा स्टेनर में जाके जाम कर दे रहा था, पाइप लाइन में जा रहा था, पाइप लाइन में एक साथ में नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पावर प्लांट रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल का अंदर जाके बाकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं।